तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। आज है 2 अक्टूबर और गांधी जयंती है आज। आपको ये ब्लॉग जो थोड़ा लेट मिलेगा क्योंकि और भी ब्लॉग शूट हो चुके हैं, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ गांव। तो शाम के 5 बज रहे हैं लगभग और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। गड्ढा आ गया, इसे क्रॉस करके जाना पड़ेगा। एक मिनट। तो आज गांधी जयंती है और आज छुट्टी नहीं है मेरी। मैं वर्किंग पैसे, जॉब पैसे, उसके बाद अब घर निकल रहा हूँ। तो यहाँ से पकड़नी है मेट्रो और मेट्रो से फिर बोटैनिकल गार्डन आई गेस, और फिर वहाँ से बस पकड़ के गांव पहुँचेंगे। मम्मी पारस से मिलेंगे और एक और दोस्त है हमारा छोटा सा, मिलवाता हूँ आपको उससे भी। इतना सारा क्राउड इसीलिए था मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज कि कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन नहीं है और पास में कुतुब मीनार है और ऊपर से छुट्टी भी है, तो लोग कुतुब मीनार घूमने आए हुए होंगे। गांधी जयंती मना रहे अपनी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो मेट्रो स्टेशन से आ गए बाहर और अब आगे जाके बोटेनिकल गार्डन जो बस स्टेशन है वहाँ से बस पकड़नी है। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया, मैं बच गए यहाँ पे आने में बोटेनिकल गार्डन। घर पैसे दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और गांव में जल्दी पहुँचना ज़्यादा सही रहता है, बट मैं मतलब मेरा फॉल्ट है, मैं थोड़ा जल्दी नहीं पहुँच पा रहा। वीडियो एडिट करने में लेट हो गया और फिर जॉब पैसे आने में लेट हो गया। मेरे पास ये दूसरा थैला भी है ना, इस वजह से जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के चल नहीं पा रहा हूँ मैं। इसमें एक डब्बा है जिसमें मेरे को गांव से शहद लाना है और हनी है, वो हनी नहीं, हनी तो लाना ही है, एक हेलमेट है मेरा। एक्चुअली जब ये लास्ट कोविड हुआ था तब उससे एक दिन पहले ही मैं जा रहा था गांव, तो निकलने में लेट हो गया था, रात हो रही थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि सामने ट्रैक्टर आ गया था और ट्रैक्टर ने मेरी तरफ ही मोड़ ली जिधर से मैं निकलना चाह रहा था, वो गलत साइड मोड़ ली उसने, तो इस वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं छिल गया पूरा। ये राइट साइड मेरी पूरी छिल गई और लेफ्ट शोल्डर आई गेस जो है डिसलोकेट हो गया था थोड़ी, बट वहीं पे मतलब हैंड टू हैंड ठीक भी हो गया। जल्दी जल्दी मैं दौड़ दौड़ के चल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये साथ में एक तो ये बैग है। सीधे गांव की बस मिल गई है, मैं उतर जाऊंगा मैं, तो देखो किस्मत अच्छी है। भैया आप शिवाले में रहते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा उल्ले में क्या, पल्ले में? पल्ले में। अच्छा मैं वीडियो बना सकता हूँ आपकी? ये चैनल बना, चैनल है मेरा यूट्यूब पे, उस पर ये उस पर डालता हूँ मैं। अगर आप मोबाइल तो चलाते होंगे आप फैसला, मेरा चैनल पीयूष छुपाते हैं नाम है मेरा, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है आप पैसे बता दो आपने कितने? 135। भैया अभी अपने गाँव के ही मिल गए, सही है, रात में कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, पार्क को बनाना पड़ता वरना वो मेन रोड तक लेने आता मेरे को, क्योंकि फिर रात में व्हीकल चलते नहीं है गांव में इतना, और नॉर्मली भी जाते ज़्यादा नहीं चलते, तो सही है। अभी लग रही है भूख, तो कुछ मैं ओट्स लेके आया था वो खा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे वोट खाने के बाद। पहुँच गए जी गांव अपने, अब बज रहे हैं रात के 8 बज रहे हैं आई गेस,
मैं देख नहीं रहूंगा, तो आगे पहुंच के करता हूँ। गांव में इस टाइम पे काफी अंधेरा हो जाता है, मतलब 7-8 बजे के आसपास काफी रात हो जाती है। देखो इधर अंकल बैठे हैं। तो इट्स बेटर टू रीच एट 5-6 PM, मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी ऐसा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। पारस खोल गेट को, खटखटा भी सकते हैं वैसे। खटखटाया था गेट नहीं, ये बात पता नहीं होगी शायद आपको, तुम्हारे आवाज नहीं आई थी तुम्हें। नमस्ते मम्मी, पापा नमस्ते, पराठे खा रहे हो? बना दी क्या सब्जी सेहत की? वो कहाँ है डबरू है? डबरू बेटा, इससे मिलवाने की बात कर रहा था मैं आपसे। आ गया। हाँ भाई, क्या हाल है? बड़ा हो गया। खाना खा लिया इसने? और क्या हाल है? तो वक्त हो चला है आपको बाय बाय करने का। ये रहा मेरा खाना, रोटी, और मैंने पराठे नहीं खाए, पराठे बाकी सबके लिए बने हैं। और ये सेंध की सब्ज़ी है, मेरे को काफ़ी पसंद है, और इसमें मैंने गुड़ डाल रखा है थोड़ा सा, क्योंकि मीठी हो ना थोड़ी तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर अपना दोस्त आ गया बाहर। ओ तेरी हरी आँख हो गई। चलो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है? चलो बाय। शादी भी उल्टा लेता है इसे।